दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। यूनिट फर्स्ट और पेपर थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो मेन चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सवाल में पूछे जाती हैं वो यही हैं कि शैक्षिक तकनीकी और इसके उपागम, इन्हीं से सवाल बनता है। जो भी सवाल फर्स्ट यूनिट से आएगा वो शैक्षिक तकनीकी और इनके उपागमों से आएगा। तो इस वीडियो में कवर अप करते हैं फर्स्ट यूनिट को, एक ही वीडियो में ख़त्म कर डालते हैं। आपको पढ़ना क्या है, एग्जाम से लिखना क्या है, सारी चीज़ें एक वीडियो में ख़त्म। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब शैक्षिक तकनीकी क्या होता है। ध्यान रखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो शब्द से मिल के बना है, शिक्षा और तकनीक, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज नोन एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ओके, आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक आविष्कार और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रयोग ही क्या कहलाता है, शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। सिंपल सी भाषा में शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल। ठीक है, अब बात करेंगे उपागम के बारे में। उपागम क्या होता है दोस्तों? उपागम को अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं। शैक्षिक उपागम को अंग्रेजी में एजुकेशनल अप्रोच कहते हैं। अप्रोच का मतलब किसी तक पहुंच जाना, वह माध्यम व जरिया जो एक जगह से दूसरे स्थान तक आपके पहुंचने में सहायता करता है। माध्यम क्या है दोस्तों? तो शैक्षिक उपागम अध्ययन की वह शाखा या माध्यम है जिसके आधार पर शैक्षिक तथ्यों की विवेचना की जाती है। शैक्षिक तथ्यों को, शिक्षा को समझा जाता है, शिक्षा को डिस्कस किया जाता है और शिक्षा को देखा जाता है। अप्रोचेस इज द ब्रांच और मीडियम ऑफ स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ विच एजुकेशनल फैक्ट आर डिस्कस्ड। समझ में आ गई? उपागम का मतलब शिक्षा के जो किताब में लिखा है उसको आप तक पहुंचाने के बीच का जो माध्यम है उसी को शैक्षिक उपागम कहते हैं। समझ आ गई? और शैक्षिक उपागम तीन है, मुख्य रूप से तीन है शैक्षिक उपागम। और इसी से प्रश्न बनता है, वो तीनों उपागम कौन कौन से हैं? आपका सबसे पहला उपागम है कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है, दूसरा आपका है दोस्तों मृदुल शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसे कोमल उपागम भी कहते हैं। और तीसरा है दोस्तों आपका प्रणाली उपागम, यानी कि सिस्टम अप्रोच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को इसमें क्लियर करते हैं। आसान से भाषा में समझ जाइए क्योंकि टाइम कम है और आपको एग्जाम्स में इन सारी चीज़ों को लिखना है। अब कठोर शिल्प उपागम का क्या मतलब होता है? मैंने पहले बताया कि शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल। तो कठोर शिल्प उपागम यानी कि हार्डवेयर अप्रोच में वो सारी वस्तुएं, वो सारे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मशीनें, वो सारी यांत्रिकी विज्ञान का सिद्धांत जब हम यूज करते हैं तो वो हार्डवेयर अप्रोच। एग्जाम्पल के तौर पर पहले मेरी बात सुनिए, इस उपागम का अर्थ शिक्षण में शिक्षण अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों, विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग है। इस उपागम में मशीनों तथा उपकरणों की सहायता से शिक्षण होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, हार्डवेयर अप्रोच में जितने भी मशीनों का इस्तेमाल होगा, उपकरणों का इस्तेमाल होगा, हार्डवेयर अप्रोच कहलाता है। अब आप बताइए कि कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या हार्डवेयर अप्रोच? बिल्कुल हार्डवेयर अप्रोच है। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हार्डवेयर अप्रोच, मोबाइल का इस्तेमाल हार्डवेयर अप्रोच, लैपटॉप का इस्तेमाल हार्डवेयर अप्रोच, स्मार्ट क्लासेस हार्डवेयर अप्रोच। मतलब कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारिक चीज़, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा वाली चीज़, प्रैक्टिकल वो चीज़ें जिसको आप छू सके, देख सके, महसूस कर सके, हर एक चीज़ जिसका हार्डवेयर पार्ट हो, कंप्यूटर, मोबाइल, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, रेडियो, टीवी, सब चीज़ों का इस्तेमाल क्या होता है? कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर अप्रोच कहलाता है। बेसिक यही है दोस्तों। मृदुल शिल्प उपागम या कोमल शिल्प उपागम का क्या मतलब होता है? यह भी विज्ञान का इस्तेमाल है, लेकिन कौन से विज्ञान का इस्तेमाल है? मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान, या भौतिकी का उपयोग था, भौतिक विज्ञान का उपयोग था, लेकिन यहाँ पे मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान का उपयोग है, खास तौर पे अधिगम का मनोविज्ञान। इसका मतलब समझ जाइए, देखिए कोमल उपागम विज्ञान व तकनीकी पर आधारित न होकर सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे आप भौतिक जोड़ लीजिएगा, कोमल उपागम भौतिक विज्ञान व तकनीकी पर आधारित न होकर सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान और विशेष करके अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित होता है। क्या मतलब हुआ इसका? हमने कहा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हार्डवेयर अप्रोच है, हमने कहा मोबाइल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हार्डवेयर अप्रोच है, तो सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है भाई? किसी बच्चे को अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं,
किसी बच्चे को आप समझा रहे हैं, किसी बच्चे को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये मनोविज्ञान का आधार होता है। ठीक है, आप बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ा रहे हैं। मनोविज्ञान में जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, इन सब का सिद्धांत क्या था? बच्चों को खुद से करके सीखने पर बल देना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? मृदुल शिल्प उभागम यानी कोमल शिल्प उभागम को। ठीक है, इसके अंदर मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मोटिवेट करना, इनको व्यवहार विधि से सिखाना, इनको करके सिखाना, प्रयास एवं त्रुटि के विधि से सिखाना, ये सारी चीज़ें मृदुल शिल्प उभागम या कोमल शिल्प उभागम के अंदर आती हैं। इसके अन्य किन नाम से जाना जाता है? अनुदेशन तकनीकी, क्योंकि आप अनुदेशित कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल दे रहे हैं। शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी, इसको इन नामों से जाना जाता है। इसमें तीसरा क्या है? प्रणाली उपागम जो होता है वो इन दोनों के बीच की कड़ी है, इन दोनों के बीच में एक संबंध है, इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, इसीलिए इसको सिस्टम कहा गया है। वह सिस्टम जो इनको नियंत्रण करता है, वह सिस्टम जो इनके बीच में संबंध स्थापित किए रहता है, आपके स्कूल, आपके कॉलेज का वो मैनेजमेंट सिस्टम ही सिस्टम उपागम कहते हैं, इसी को प्रणाली उपागम कहते हैं। इसका मतलब देखिए, प्रणाली उपागम का संबंध कक्षा के बाह्य परिवेश से होता है, जो व्यवस्था में व्याप्त कमियों और समस्याओं को उजागर करता है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उसका समाधान निकलता है। सिस्टमेटिक क्या है भाई? उस मैनेजमेंट और उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया जा रहा है, उस पूरे प्रणाली से, उस प्रणाली उपागम सिस्टमेटिक अप्रोच की बात की जा रही है। तो कठोर में आपने देखा मोबाइल का इस्तेमाल, मृदुल में देखा आपने मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान का इस्तेमाल, और प्रणाली उपागम का मतलब होता है उस पूरे प्रणाली से, उस पूरे मैनेजमेंट से, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जांपल देखिए, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किस में आएगा? कठोर शिल्प उपागम में। चित्र विस्तारकरण यंत्र, ध्वनि यंत्र, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट, टेलीविजन, कंप्यूटर और सिनेमा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कठोर शिल्प उपागम है, क्योंकि ये वैज्ञानिक देन है, विज्ञान और भौतिक विज्ञान की देन है। अब इसके अलावा अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन देना, व्यवहार विधि यानी कि बिहेवियरल मेथड, और कम्युनिकेशन, संप्रेषण, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मृदुल शिल्प उपागम के अंदर आती हैं। और इसी के, इसके अन्य नाम हैं अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। और प्रणाली उपागम का मतलब होता है यह कठोर उपागम एवं मृदुल उपागम को जोड़ने वाला उपागम है। इस सामंजस्य पर ही, इसके सामंजस्य पर ही तकनीकी की सफलता निर्भर करती है। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तभी चीज़ों का आप सही से चला पाएंगे। उपागम शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक उपागम है ये। इसके देखिए, इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं? प्रबंधक, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हो गई, समझ में आ गया। कठोर में कठोर वस्तुओं का इस्तेमाल, जैसे कि यांत्रिक और मशीनों का इस्तेमाल। मृदुल में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान और ज्ञान का इस्तेमाल, खासतौर पर अधिगम के मनोविज्ञान का इस्तेमाल, और ये पूरे मैनेजमेंट को कहा जाता है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अब एक बात होता है कि इसके उद्देश्य क्या हैं। अब उद्देश्य के बारे में ज़रा खासतौर पर समझ जाइए दोस्तों। इस पूरे पॉइंट से, इस पूरे यूनिट से कोई भी उद्देश्य पूछे, चाहे वो शिक्षा के तकनीकी का उद्देश्य पूछे, कठोर शिल्प उपागम का उद्देश्य पूछे, मृदुल शिल्प उपागम का उद्देश्य पूछे, या प्रणाली शिल्प उपागम से उद्देश्य पूछे, इसके अलावा भी कोई भी उपयोग उद्देश्य पूछे, चाहे वो कंप्यूटर का उद्देश्य, ई लर्निंग का उद्देश्य, स्मार्ट क्लासेस का उद्देश्य, प्रोजेक्टर का उद्देश्य, शिक्षा तकनीकी के विषय में किसी का भी उद्देश्य पूछे, आसानी से एक उद्देश्य आपके लिए मैं लेके आया हूँ, वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ है दोस्तों। कंप्यूटर प्रोजेक्ट, स्मार्ट क्लासेस, ई लर्निंग, शिक्षा की तकनीकी, कठोर शिल्प उपागम, मृदुल, कोई भी तकनीक पूछे आप आराम से इसके उद्देश्य में ये लिखिए। पहले इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक मिनट के लिए इसको बंद रखिए, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो इसका फायदा क्या है, क्या उद्देश्य प्राप्त होगा? क्या ये आप ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य जो है, जो पढ़ाने का मेन पर्पज है, वो हमें मिल जाएगा? दूसरा दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल या किसी भी मोबाइल टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर या प्रोजेक्टर का उपयोग यही है, उसका इस्तेमाल यही है, उसका उद्देश्य यही है कि शिक्षण विधि सरल हो जाती है, जो भी शिक्षा का तरीका है वो सरल बन जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, बच्चों के लिए रुचिकर हो जाता है, और इसमें शिक्षकों का श्रम कम हो जाता है, शिक्षक की मेहनत कम हो जाती है, विद्यार्थियों का अनुभव बढ़ने लगता है, और ये मूल्यांकन में सहायक होते हैं, इसके आसानी से आप मूल्यांकन कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल में, प्रयोगात्मक में इसका उपयोग होता है, प्रयोगात्मक के दृष्टि से ये उपयोगी है, इसका उद्देश्य है कि इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। और शैक्षिक समाधान को जानना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं शिक्षा में उसको आप जान सकते हैं, और शिक्षा की नीतियों का निर्धारण करना, शिक्षा क्यों किया जाता है इसकी नीति निर्धारण करना, समझ में आ गई? कहने का मतलब है दोस्तों कि आप
यूनिट फर्स्ट की जो मूलभूत चीजें हैं ना, जो बेसिक और जो सारांश, जो कॉन्सेप्ट, जो कंक्लूजन कह लीजिए, वह यही है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल, और इसके तीन उपागम हैं, कठोर शिल्प उपागम, मृदु शिल्प उपागम, प्रणाली उपागम। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी सीरीज उठाइए और उसमें देखिए कि क्या ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं। ये जिन चीज़ों को मैंने कंक्लूड करके आसान भाषा में बताया, वही चीज़ें किताबों में है कि नहीं। और जब आप यूनिट खोलेंगे तो देखेंगे, और चाहे आप 5 साल के पिछले प्रश्न उठा के देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बना है कि शैक्षिक तकनीकी या इसके उपागमों के बारे में। अब चाहे इसका अंतर पूछ दे, चाहे इसकी विशेषता पूछ दे, चाहे इसका अर्थ पूछ दे, चाहे इसकी व्याख्या पूछ दे, लेकिन सवाल यहीं से बनेगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप चीज़ों को समझ गए हैं, आसानी से इस पूरे यूनिट को आप लिख देंगे, इससे जो भी सवाल आए आप लिख देंगे। आप प्लीज़ एक बार स्वयं अध्ययन करके देखिए कि ये चीज़ें कितनी सरल भाषा में बता दी गई, कि चीज़ें आपको कितनी क्लियर कर दी गई। और प्लीज़ अगर सही लगा वीडियो, जानकारी सही लगी और सत्यता लगी, तो कमेंट में आके फीडबैक देना ना भूलिएगा, और मुझे भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में बस इतना ही है शैक्षिक तकनीकी के बारे में पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ, जिन बच्चों को इस बार एग्ज़ाम देना है ना, आने वाली इस तारीख को एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ये वीडियो है। जो नए बच्चे आए हैं, जिनका एडमिशन इस बार हुआ है, वो प्लीज़ आप अपना पर्टिकुलर पढ़िए, कठोर शिल्प उपागम को अलग, शिक्षा को अलग, इनको अलग अलग पढ़िए। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि एग्ज़ाम सर पे खड़ा है, अब इतना टाइम नहीं कि सबका विस्तृत पढ़ लें। तो कंक्लूजन यही है, मैंने आपको वीडियो में बता दिया, चीज़ों को समझिए और अपने भाषा में एग्ज़ाम्स में लिख के आइए। यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको सीरीज में मिलेंगी, यही चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी। प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलिए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करें।